कॉल टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। ओके, डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है म्यूजियम और आर्काइव्स में प्रिजर्वेशन को लेकर। तो टेक्निकली यदि देखें तो आपका जो सिलेबस है उसमें जो यूनिट 3 है उसी से ये रिलेटेड है। ओके, इसमें पर्टिकुलरली आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी पे फोकस करेंगे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आर्काइव्स और म्यूजियम्स में डिफरेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया जा सकता है। इस चीज़ पे हम लोग आज का डिस्कशन फोकस रखेंगे। और इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आप देख पाएंगे कि चैट बॉक्स में आई हैव शेयर्ड अ गूगल ड्राइव लिंक। ओके, चैट बॉक्स में मैंने एक गूगल ड्राइव लिंक शेयर किया है, इसमें आपका कुछ स्टडी मटीरियल आपको मिल जाएगा। ओके, तो इससे आप अपना स्टडी मटेरियल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें जो मटेरियल है उसको डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं। एक चीज़ जो ध्यान रखने वाला बात है वो ये, प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जो स्टडी मटेरियल इस गूगल ड्राइव लिंक में आप लोगों को दे रहे हैं इससे आप प्लीज़ तैयारी कीजिएगा। गूगल, यूट्यूब, किंग चैम्पियन, ये सारे जगहों से मत पढ़िएगा। ठीक है, दो तीन बार मैंने ये गूगल ड्राइव लिंक शेयर कर दिया है, इसमें काफ़ी सारा आपको स्टडी मटीरियल जो है वो मिल जाएगा और इससे आप अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं, अपने एग्जाम्स के लिए अच्छा ये कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम लोग का क्लास है उसका फर्स्ट 45 to 50 मिनट्स जो है वो लेक्चर के लिए रहेगा और लास्ट 10-15 मिनट्स में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो रखेंगे, जिसमें आपका यदि कोई भी सवाल हो तो उसको हम लोग डील कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं और हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं, सो वी विल बी कंटिन्यूइंग इन अ मिक्स ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। ओके, चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन। हम लोग का टॉपिक है डिस्कशन के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड कंजर्वेशन इन आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स। म्यूजियम्स और आर्काइव्स में डिजिटल टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ किया जाता है कंजर्वेशन के लिए, इस चीज़ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। टेक्निकली आपका जो यूनिट 3 है उसका ये पार्ट है जिसमें हम लोग ये चीज़ हम लोग को जानना है। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो फ्रजाइल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो ऐसे रिकॉर्ड्स जो तुरंत ही ख़राब हो सकते हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स जो तुरंत बर्बाद हो सकते हैं, उन रिकॉर्ड्स को रिस्टोर करने के लिए, उन रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए, उन रिकॉर्ड्स को संरक्षित रखने के लिए डिजिटाइजेशन जो है उसको यूज़ किया जाता है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड यदि हम लोग देखें तो जो भी मेजर आर्काइव्स हैं पूरे विश्व में, यदि हम लोग देखें तो जो भी मेजर आर्काइव्स हैं सारे जगह पर सारे रिकॉर्ड्स को धीरे धीरे अब डिजिटाइज किया जा रहा है। ठीक है, डिजिटाइजेशन में ऐसा नहीं है कि बस डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको बस स्कैन करके रख लिया गया। डिजिटाइजेशन में फोटोग्राफी है, स्कैनिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, माइक्रोफिल्म्स बनाया जाता है और इससे क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एक अधिक लाइफ देने का कोशिश किया जाता है। और कोशिश ये है कि इस तरह से डिजिटाइज रिकॉर्ड्स यदि रखेंगे तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो कभी इंटरनेट पर मान लीजिए वो चला गया तो फिर वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाएगा। लेकिन जनरल बिलीफ, जनरल मान्यता तो यही है कि यदि आप किसी भी रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर दें तो वो लॉस नहीं होगा, वो हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, फिजिकल मेथड जो आर्काइविंग का है उसके मुकाबले यदि देखें, यदि म्यूजियम्स में या आर्काइव्स में जो डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व किए जा रहे हैं उसके मुकाबले देखें तो जनरल बिलीफ ये है कि डैमेज जो है वो नहीं होगा और परमानेंटली वो डॉक्यूमेंट या वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है वो परमानेंटली इंटरनेट पर रह सकता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है उसका अपना दिक्कत है। कभी कभी ये पॉसिबल है कि मान लीजिए कोई रिकॉर्ड है वो बस डिजिटाइज्ड फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो उसके साथ अपना एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए वो बस डिजिटाइज्ड फॉर्म में है और जिस कंप्यूटर में है या जहाँ भी जिस इंटरनेट पे है या जहाँ भी जिस सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में उसको स्टोर किया गया है, मान लीजिए उस सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया तो क्या होगा। मान लीजिए उस सॉफ्टवेयर में कुछ मालवेयर आ जाए या कुछ जो ड्राइव है इंटरनल या एक्सटर्नल ड्राइव है जहाँ पे ये सारा डेटा स्टोर्ड है उसमें मान लीजिए कुछ खराबी हो जाए, कोई स्पाईवेयर आ जाए, कोई मालवेयर आ जाए, तो डिजिटल रिकॉर्ड्स जो है उसका यदि हम लोग देखें तो अपना सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है। ओके, सॉरी, तो डिजिटल रिकॉर्ड्स जो है उसका अपना सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है जो हम लोग देखते हैं कि जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं जिनको डिजिटाइज करके रखा जा रहा है उन पे वायरस अटैक्स हो सकता है, स्पाईवेयर से अटैक्स हो सकता है, मालवेयर से अटैक्स हो सकता है। जिस ड्राइव में उसको स्टोर करके रखा गया हो चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, वो ड्राइव खराब हो सकता है। तो इसलिए डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी प्रिजर्व करके रखने में बहुत ही मेटिकुलस ट्रेनिंग और प्रिजर्वेशन टेक्निक्स जो है वो होना चाहिए। ठीक है, और हर एज में, हर दौर में हम लोग देखते हैं कि जो आर्काइविंग का टेक्निक वो चेंज होता गया है। पहले यदि हम लोग देखें तो पत्थरों पे चीज़ों को लिख के स्टोर करने का कोशिश किया जाता था, पत्तों पे लिख के स्टोर किया जाता था,
फिर बाद में पेपर्स आ गए, पेपर के बाद अब ये डिजिटल मेथड्स हैं। 20th सेंचुरी में जो हम लोग इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का जो क्रांति हम लोग इस 20वीं शताब्दी में देखते हैं, इसके कारण आर्काइव्स और म्यूजियम्स को भी काफ़ी फायदा हुआ है। और हम लोग देखते हैं ये आर्काइव्स और म्यूजियम्स जो है उनको अब नए नए मेथड्स मिल गए हैं जिसके थ्रू जो डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके। और जो ये नया मेथड्स है आर्काइविंग का, प्रिजर्वेशन का, कंजर्वेशन का, वो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही फास्ट है, बहुत ही ईजी है और धीरे धीरे बहुत चीप भी होता जा रहा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि डिजिटाइजेशन का यदि फ़ायदा देखें तो उसमें एक मेजर फायदा ये है स्पेस की, जगह जो है वो, अब मान लीजिए आपको 10 किताबें, ठीक है 10 किताबें हैं तो 10 किताब को स्टोर करने के लिए, या 10 एंशिएंट बुक्स हैं वो 10 एंशिएंट बुक्स को स्टोर करने के लिए आपको एक सर्टन सेट ऑफ जगह चाहिए, एक शेल्फ चाहिए, उस शेल्फ पे वो सारी किताबें रहेंगी तो वो एक सर्टन स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन वही यदि उन 10 किताब को डिजिटाइज कर दिया जाए तो हो सकता है एक लैपटॉप में ही या एक पेन ड्राइव में ही वो 10 किताबें आ जाए, तो स्पेस का जो कमी है उसको ये डिजिटाइजेशन जो है वो मेजरली एड्रेस करता है। जो स्टोरेज कैपेसिटी का कमी है उसको हम लोग देखते हैं कि ये कम करता है, स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो हम लोग देखते हैं पेन ड्राइव्स या फिर लैपटॉप या हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क, ये सब में हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किताबों को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, इंटरनेट पे भी हम लोग कह सकते हैं कि किताबों को डाला जा सकता है, रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को इंटरनेट पे भी डाला जा सकता है। क्लास के शुरुआत में अभी जस्ट आई हैड शेयर्ड अ गूगल ड्राइव लिंक, तो वो गूगल ड्राइव लिंक क्या है, बेसिकली वो भी एक डिजिटाइजेशन टेक्निक, जो अभी आप लोगों के साथ मैंने गूगल ड्राइव लिंक शेयर किया वो भी एक डिजिटाइजेशन का टेक्निक है कि जो किताब है उसको डिजिटाइज करके या जो आर्टिकल है उसको डिजिटाइज करके इंटरनेट पे डाल दिया गया, तो वो इंटरनेट से आई हैव डाउनलोडेड दोज रीडिंग्स फॉर यू, आप लोगों के लिए मैंने डाउनलोड करके वो एक गूगल ड्राइव लिंक में आपको क्रिएट करके दे दिया। तो इसमें अब आपको क्या है कि उस गूगल ड्राइव लिंक में वो सारा का सारा रीडिंग मटेरियल है, आपको किताबों का अलग से किताब के लिए शेल्फ नहीं चाहिए, इस गूगल ड्राइव लिंक में ही वर्चुअली यदि देखें तो टेक्निकली उसको कोई भी स्पेस नहीं चाहिए। आपके फ़ोन में ये गूगल ड्राइव लिंक हो सकता है, आपके लैपटॉप पे या जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उस पे ये गूगल ड्राइव लिंक हो सकता है और वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो स्पेस का कमी है उसको एड्रेस करने के लिए ये डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारा इनकोडिंग टेक्निक्स जो है वो भी डेवलप हुआ है, पर्टिकुलरली लास्ट 2 दशक में यदि देखें तो डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत इंप्रूव हुआ है। कंप्यूटर एजुकेशन इसमें बहुत हेल्प किया है, हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल ऑनवर्ड्स ही अब कंप्यूटर एजुकेशन जो है उसको कंपलसरी कर दिया गया है। साथ ही साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020 का, उसमें कोडिंग पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोडिंग बेसिकली एक तरह का टेक्निक है, हम लोग देखते हैं प्राइमरी स्कूल से ही कोडिंग पे फोकस किया जा रहा है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि चीज़ों को कोडिंग एक टेक्निक है जिससे सॉफ्टवेयर, जिससे प्रोग्राम्स, जिससे ऐप्स, ये सारा चीज़ बनाया जाता है। तो कोडिंग के थ्रू भी हम लोग कह सकते हैं कि ये सारा चीज़ जो है वो प्रिजर्व किया जा सकता है। कोडिंग पे जो एजुकेशन में फोकस है वो एक वेलकम स्टेप है इस डायरेक्शन में, इससे डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको और मदद मिलेगा। ठीक है, अब इसी कड़ी में एक नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स NMM, ठीक है ये ध्यान रखिएगा शॉर्ट फॉर्म NMM, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो 2013 में हम लोग देखते हैं कि नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है उसको मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर्स में इंक्लूड किया गया था और बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर्स बनाए थे। उसमें सर्वे किया जा रहा था, डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा था, कैटलॉगिंग किया जा रहा था, डिजिटाइजेशन किया जा रहा था। तो ये जो NMM था, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है डिजिटाइजेशन के प्रोसेस में। NMM यदि देखें तो जो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, स्वायत्त ऑर्गेनाइजेशन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसके अंडर आता है। और इसमें जो कोशिश किया गया है वो ये है कि डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स का सर्वे किया जाए, डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को लोकेट किया जाए और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसको कंजर्व करके रखा जाए और एक नेशनल रिसोर्स बेस बनाया जाए मैन्युस्क्रिप्ट्स का, ताकि जो उसका एक्सेस है वो अधिक लोगों तक पहुंचे, लोग जो है वो अधिक मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में अवेयर हो सके और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, पढ़ाई लिखाई के पर्पस के लिए, रिसर्च के पर्पस के लिए ये डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को यूज़ किया जा सके। ठीक है, 2003 में हम लोग देखते हैं कि ये मिशन जो है उसका शुरुआत किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसका जो नोडल एजेंसी था, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है इसका जो नोडल एजेंसी, मतलब वो एजेंसी जो सारे चीज़ का ध्यान रखेगा कि किस तरह से ये फंक्शन कर रहा है, जो नोडल एजेंसी था वो बनाया गया इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स था, उसको इसका नोडल एजेंसी बनाया गया ताकि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा सके, इस प्रोजेक्ट को ज़मीन पर उतारा जा सके। और इंडिया में यदि हम लोग देखें तो लगभग इंडिया के पास 50 लाख से भी अधिक मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इंडिया के पास लगभग 50 लाख से भी अधिक मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और
इट माइट बी द लार्जेस्ट कलेक्शन इन द होल वर्ल्ड. इतना सारा मैन्यूस्क्रिप्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं. और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वो डिफरेंट थीम्स पे हैं, स्क्रिप्ट पे हैं, लैंग्वेजेस पे हैं, कैलीग्राफी पे हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम लोग को ये सारे मैन्यूस्क्रिप्ट मिलते हैं. और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, ये सारे मैन्यूस्क्रिप्ट मिलकर हम लोग कह सकते हैं कि ये मेमोरी ऑफ इंडिया को बनाते हैं. इंडिया का जो हेरिटेज है, इंडिया का जो थॉट है, उसको ये मैन्यूस्क्रिप्ट बना रहे हैं. और जो नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट है वो बेसिकली एम करता है कि इन मैन्यूस्क्रिप्ट को लोकेट किया जाए, इनको डॉक्यूमेंट किया जाए, और इन ये जो इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट हैं इनको प्रिजर्व किया जाए और इनको एक्सेसिबल बनाया जाए, लोगों तक इसका पहुंच जो है वो बढ़े और इंडिया का जो पास्ट है उसके फ्यूचर से उसको जोड़ा जा सके. ठीक है, जो हम लोगों के सामने हम लोगों का फ्यूचर है, हम लोगों के सामने जो हम लोगों का भविष्य है, उसके साथ भारत के भूत को, उसके साथ भारत के पास्ट को जोड़ा जा सके. इसीलिए ये नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट जो है उसको शुरू किया गया. नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट में हम लोग देखते हैं कि 54 मैन्यूस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर्स हैं. देयर आर 54 मैन्यूस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर्स, 49 कंजर्वेशन सेंटर्स हैं जो पूरे कंट्री में एस्टैब्लिश किए गए हैं. ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर है उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, बहुत सारे आर्काइव्स हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे नॉर्मल लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं. और इन सब का फंक्शन ये है कि अपने अपने एरिया में मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लोकेट करें, उनको कंजर्व करें और उसको आम जनता के लिए एक्सेसिबल बने. और हम लोग देखते हैं कि ये जो नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट था ये डिफरेंट जोन्स में काम कर रहा था. नॉर्थ जोन में काम था इसका, साउथ में था, ईस्ट में था, वेस्ट में था, सेंट्रल जोन में था, और हर जगह ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे काम करता है. साथ ही साथ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, अब जब आपके पास मान लीजिए 1000 मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपके पास आ गए, ठीक है, 1000 मान लीजिए आपके पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स आ गए, तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स का कैटलॉगिंग जो है वो जरूरी है. ठीक है, वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपके पास है उसका कैटलॉगिंग जो है वो बहुत आवश्यक है. कैटलॉगिंग मतलब कि उनको कैटेगराइज करना कि कौन सा मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो किस चीज से डील करता है. कैटलॉगिंग हिंदी में यदि कहें तो आप उसको कह सकते हैं कि उसको सूचीबद्ध करना जरूरी है कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो टेक्सटाइल्स पे है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो मान लीजिए आर्किटेक्चर पे है, कोई दूसरा मैन्यूस्क्रिप्ट है वो मान लीजिए रिलीजन पे है, कोई तीसरा मैन्यूस्क्रिप्ट है वो फिलॉसफी पे है. तो सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को सूचीबद्ध तरीके से, कैटलॉगिंग के तरीके से रखना जरूरी है. तो अब ये जो कैटलॉगिंग है ये अपने आप में इस पे भी डिजिटाइजेशन हम लोगों को देखने को मिला है. पहले जो है आप पुराने लाइब्रेरीज में यदि जाएंगे, अब तो लगभग सारे लाइब्रेरीज में डिजिटाइजेशन हो चुका है कैटलॉगिंग मेथड. तो पुराने लाइब्रेरीज में आप जाएंगे तो बहुत सारा बॉक्स होता था जिसको खोल के आपको एक के बाद एक डिफरेंट पेपर्स को देखना पड़ता था कि आपको जो आर्काइवल मटेरियल चाहिए या आपको जो किताब चाहिए वो कहाँ पे लोकेटेड है. तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो डेवलपमेंट के कारण कैटलॉगिंग का भी मेथड आसान हो गया. अब आपको लाइब्रेरी से कोई किताब चाहिए तो आपको आप क्या करना है, या लाइब्रेरी से या कोई आर्काइव से आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, अब आपको क्या करना है, वो जाके लंबा लंबा लिस्ट जो है पेपर्स का वो नहीं देखना. अब आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए आप एक कंप्यूटर पर बैठिए, उस लाइब्रेरी या उस आर्काइव या उस म्यूजियम का वेबसाइट खोलिए, उसके लाइब्रेरी सेक्शन में जाके आप सीधे जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उसको टाइप कीजिए. यदि वो डॉक्यूमेंट वहाँ अवेलेबल होगा तो उसका पूरा लेखा जोखा जो है वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा और अपने स्क्रीन पे आप देखिए कि हाँ ये इस जगह पे अवेलेबल है, उसको नोट करके आप जाके लाइब्रेरियन को दीजिए और जो लाइब्रेरियन है वो आपको तुरंत वो डॉक्यूमेंट निकाल के दे देंगे. तो डिजिटाइजेशन का जो तरीका है वो बस डॉक्यूमेंट्स और आर्काइवल रिकॉर्ड्स के लिए नहीं, इनफैक्ट कैटलॉगिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और कैटलॉगिंग में भी हम लोग देखते हैं डिजिटाइजेशन का इफेक्ट जो है वो हम लोग को क्लियरली देखने को मिला है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि डिजिटाइजेशन का शुरुआत किया जाता है और NMM जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है. हम लोग देखते हैं कि NMM अभी तक जो नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन है वो अभी तक 55,000 से भी अधिक मैन्यूस्क्रिप्ट को डिजिटाइज करने में सक्सेसफुल रहा है. इट हैज़ सक्सेसफुली डिजिटाइज मोर देन 55,000 मैन्यूस्क्रिप्ट और 11 आर्काइवल इंस्टीट्यूशन हैं अक्रॉस इंडिया जहाँ पे डिफरेंट जोन्स में जो डिवाइडेड है वहाँ पे ये NMM जो है डिफरेंट आर्काइवल रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने का कोशिश कर रहा है. ईस्ट में यदि देखें तो उड़ीसा स्टेट म्यूजियम है, उड़ीसा कृष्णकांत हांडीक लाइब्रेरी है, गुवाहाटी में इन लोगों ने काम किया है. सेंट्रल में यदि देखें तो डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी है सागर मध्य प्रदेश में, वहाँ इन लोगों ने काम किया है. फिर कुंद ज्ञानपीठ है इंदौर में, वहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया गया है. फिर उसके बाद पुणे में भारत इतिहास संशोधन मंडल है, वहाँ पर काफ़ी रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया गया है. नॉर्थ इंडिया में यदि देखें तो हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस है शिमला हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे इन लोगों ने डिजिटाइज किया है. वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वृंदावन उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे इन लोगों ने किया है. साउथ में यदि देखें तो फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पॉन्डिचेरी, वहाँ पे काफ़ी डिजिटाइजेशन का काम हुआ है. इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ है चेन्नई में, वहाँ पे काम किया गया है काफ़ी. वेस्ट में यदि देखें तो आनंद आश्रम संस्था है पुणे में, वहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया है. तो पूरे इंडिया में
अक्रॉस 11 आर्काइवल इंस्टीट्यूशंस 55,000 से भी अधिक मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज करने का काम एनएमएम के द्वारा किया गया है, और ये एक मेजर अचीवमेंट है एनएमएम का। और हम लोग देखते हैं कि बस इतना ही नहीं, एनएमएम जो है वो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, यूनेस्को जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक मेमोरी यूनिट की तरह काम कर रहा है और पूरे वर्ल्ड का एक मेमोरी डॉक्यूमेंट करने का कोशिश कर रहा है। तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि जो इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको सजेस्ट किया जा रहा है इस नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के द्वारा कि वो यूनेस्को का जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है उसमें वो इंक्लूड किया जाए। तो इसमें ये जो है, ये जो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर प्रोग्राम है, इसमें यूनेस्को जो है वो जो मोस्ट वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज उसको एक रिकॉग्निशन देता है अक्रॉस द होल वर्ल्ड और उसको यूनिवर्सल एक्सेस देने का कोशिश करता है। जो ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के इतिहास के लिए, उनको रिकॉग्निशन देने का काम यूनेस्को कर रहा है, साथ ही साथ उसका फ्री एक्सेस पूरे वर्ल्ड को देने का कोशिश कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो शैव मैन्युस्क्रिप्ट से पौंडीचेरी से जो मिले हैं, जो शैव मैन्युस्क्रिप्ट से जो पौंडीचेरी में है वो उसको यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जो है 2005 में दिया गया था। फिर उसके बाद गीत गोविंद और चिकितश मंजरी, ये दो मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो उड़ीसा स्टेट म्यूजियम में थे, उनको भी ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर जो है उसमें इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के द्वारा 2005। तो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन यदि देखें तो वो डिजिटाइजेशन के लिए काफ़ी काम कर रहा है और एक फर्स्ट हम लोग कह सकते हैं एक नेशनल एफर्ट है टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। और इसमें डिफरेंट MRCs हैं, मैन्युस्क्रिप्ट रिसर्च सेंटर्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर्स हैं, इनके थ्रू हम लोग देखते हैं ये मैन्युस्क्रिप्ट्स को कंजर्व करने का कोशिश किया जा रहा है। अभी जो मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर्स हैं MRCs जो हैं उसमें अभी 13,80,000 से भी अधिक मैन्युस्क्रिप्ट हम लोगों को मिले, और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर्स हैं वो डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड हैं जहाँ पे इन सबको प्रिजर्व और कंजर्व करने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो है कि क्या काम हो रहा है, अब किस तरीके से ये काम हो रहा है, क्या फॉर्म्स है डिजिटल कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन का, उस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तो है ई फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज। ठीक है, जैसे जो म्यूजियम्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आर्काइवल रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको ई फॉर्म में सेव कर लिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज के रूप में सेव कर लिया जाए। ठीक है, दूसरा यदि हम लोग देखें तो जो कल्चरल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म देने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप्स है सबका अपना टेक्निक है, और देखने में सुनने में तो बहुत सिमिलर लगता है लेकिन रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों काफ़ी अलग है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी कल्चरल ऑब्जेक्ट्स हैं उसको 3D फॉर्म देने का कोशिश किया जा रहा है, 3D रिकंस्ट्रक्शन कोशिश किया जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि कोई भी मान लीजिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के ही टाइम का कोई स्टैचू मिला या कोई टेराकोटा फिगर मिला, तो उसको 3D फॉर्म में, 3D फॉर्म में रिकंस्ट्रक्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। उसका जो कोई मिसिंग पार्ट है उसको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के हिसाब के मदद से उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। तो ये एक नया पहल है, एक नया टेक्निक है जिसमें हम लोग देखते हैं कि 3D मेथड जो है उसको यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल मेथड है स्कैनिंग का, फोटोग्राफी का, वो तो है, कुछ मान लीजिए ऐसे डांस फॉर्म्स हैं या कुछ ऐसे म्यूजिकल फॉर्म्स हैं जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग देखते हैं कि वॉइस रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, फिल्मिंग टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि डिफरेंट टाइप के मेथड्स, डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स या डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज के लिए यूज़ किया जा सके। अब ये जो डॉक्यूमेंटेशन का तरीका है इसका हम लोग कह सकते हैं कि अपना प्रॉब्लम भी है, कुछ प्रॉब्लम हम लोग क्लास के शुरुआत में भी डिस्कस किए कि मान लीजिए जैसे वायरस आ गया कम जहाँ पे ये स्टोर्ड है, या जो हार्ड ड्राइव है वो ख़राब हो गया, या जहाँ पेन ड्राइव में जहाँ पे भी ये स्टोर्ड है वहाँ पे यदि ये यदि वो उसमें कोई मालवेयर या स्पाईवेयर आ जाए या वो किसी भी कारण से ख़राब हो जाए तो पूरा का पूरा जो वो डॉक्यूमेंट है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरा, यदि 3D रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कंप्यूटर की तरफ से 3D रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो अपने आप में पूरी तरह से सही है। ठीक है, हो सकता है कि उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हो, कंप्यूटर का इंटरवेंशन हो, और जो ओरिजिनल जैसा सामान था वो 3D रिकंस्ट्रक्शन में जैसा वो ओरिजिनल आर्कियोलॉजिकल सोर्स था, चाहे वो मूर्ति हो या टेराकोटा फिगर हो या मेटल फिगर हो, जो भी हो, या स्कल्पचर हो, जैसा वो ओरिजिनल था 3D रिकंस्ट्रक्शन में वो वैसा हो सकता है नहीं है। ठीक है, तो 3D रिकंस्ट्रक्शन के साथ भी अपना एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसका फायदा भी है। यदि 3D रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप उनको क्लासरूम्स में दिखा सकते हैं। ठीक है, आप जो आर्काइवल मटेरियल है उसको आप क्लासरूम्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे क्या है कि मान लीजिए कोई आर्काइवल मटेरियल, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लोग लें तो जो ओरिजिनल आईने अकबरी है या जो ओरिजिनल अकबरनामा है जो अबुल फजल ने लिखा था, उसको यदि आपको देखना है तो आपको कोई म्यूजियम जाना होगा या कोई आर्काइव जाना होगा, वहां जाके आपको वो ओरिजिनल टेक्स्ट दिखेगा। लेकिन यदि वो टेक्स्ट
पूरा का पूरा डिजिटाइज कर दिया जाए तो कंप्यूटर में ही क्लास में आपको वो दिखाया जा सकता है। तो इसका कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जो कंप्यूटराइज कलेक्शंस हैं उसके साथ जो एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन है वो डाइवर्स रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी खोलता है। हम लोग देखते हैं कि जो म्यूजियम और आर्काइवल कलेक्शंस थे वो मेनली उनका काम क्या था, कंजर्व करना, रिसर्च करना, लोगों को एडुकेट करना। और जैसे जैसे ये डिजिटाइजेशन का प्रोसेस होता गया है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एडुकेशन का प्रोसेस है, जो कंजर्वेशन का प्रोसेस है और जो रिसर्च का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं इन्हांस हो रहा है। तो जो आर्काइव्स और म्यूजियम्स का मेन फंक्शन है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को कंजर्व करना, उस पर रिसर्च करना, उसके बारे में लोगों को एडुकेट करना और आम जनता तक उस रिकॉर्ड्स को पहुँचाना, वो डिजिटाइजेशन के कारण काफ़ी आसान हो गया है। और जैसे ही ये जो कलेक्शन है वो पब्लिक के लिए खोला जाता है, चाहे वो डिफरेंट वेबसाइट्स के हो या डिफरेंट प्रोग्राम्स के हो, तो हम लोग देखते हैं कि लोगों का एक सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत दूर दराज के इलाके में कोई म्यूजियम या कोई आर्काइव लोकेटेड है जहाँ पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन वहाँ पे यदि डिजिटाइजेशन कर दिया जाए, वहाँ के सारे रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर दिया जाए तो वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इंटरनेट पे एक बटन के क्लिक के साथ ही उसको देख सकते हैं। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि काफ़ी तरक्की किया गया है, काफ़ी उसमें भी डेवलपमेंट हुआ है। और हम लोग देखते हैं कि जो आर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं, जो साइंटिफिक स्पेसिमेंट्स हैं, वो काफ़ी डेलिकेट होते हैं अपने नेचर में, तो उनको बहुत ही स्पेसिफिकली हैंडल करके उनको डिजिटाइज करने का कोशिश किया जाता है। इतना आसान जितना हम लोग बातचीत में लग रहा है कि डिजिटाइजेशन क्या है कि बस अपना स्कैनर या अपना रिकॉर्डर उठाए और उसके सामने उसको रख के डिजिटाइज कर दिया, इतना आसान भी नहीं है। ये जो आर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं या फिर जो साइंटिफिक स्पेसिमेंट्स हैं, ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं, उनका नेचर बहुत डेलिकेट होता है, वो तुरंत ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि डिजिटाइजेशन जो है वो बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत केयरफुली ये करना पड़ता है। और बहुत बार हम लोग देखते हैं डिजिटाइजेशन के प्रोसेस में ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स या जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो खराब हो जाते हैं। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ये जो फ्रजाइल नेचर है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जो हम लोग कह सकते हैं कि जो बहुत ही नाजुक है वो डॉक्यूमेंट या वो आर्टिफैक्ट, क्योंकि इतना नाजुक है तो कभी कभी उसका डिजिटाइजेशन जो है वो पॉसिबल भी नहीं है। कभी कभी इस टाइप का सिचुएशन रहता है कि आप बस एक उसका ये ले सकते हैं, आप बस उस डॉक्यूमेंट का एक पिक्चर या एक फोटोग्राफ या बस एक स्कैन ले सकते हैं। तो इस कारण से भी हम लोग देखते हैं कि डिजिटाइजेशन जो है उसका कुछ लिमिटेशंस भी है, उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से डिजिटाइज नहीं किया जा सकता और डिजिटाइजेशन में भी बहुत केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक उसको करना ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और जो भी हम लोग देखते हैं कि जब भी ये स्कैनिंग किया जाता है या डिजिटाइजेशन किया जाता है या फोटोग्राफ लिया जाता है, उसमें हमेशा ये कोशिश किया जाता है कि जो भी ऑब्जेक्ट का स्कैनिंग हो रहा है या डिजिटाइजेशन हो रहा है उस पर मिनिमम से मिनिमम स्ट्रेस पड़े। ठीक है, डिजिटाइजेशन का मेन पर्पस यदि कहें तो ये है कि जो ओरिजिनल कॉपी है उसके सपोर्ट में एक दूसरा कॉपी खड़ा करके तैयार करना। डिजिटाइजेशन जो है वो कभी भी ओरिजिनल नहीं हो सकता, ओरिजिनल कॉपी का अपना अलग इंपॉर्टेंस है। तो डिजिटाइजेशन वी कैन से इट इज़ अ मीन्स टू एड द कंजर्वेशन ऑफ द ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स, द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं, जो ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स हैं, उनके कंजर्वेशन को एड करने में ये डिजिटाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, तो ये डिजिटाइजेशन का कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम लोग डिस्कस किए। डिजिटाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि मल्टीट्यूड ऑफ ऑप्शंस भी हैं एक्सटर्नली और इंटरनली यूज करने के लिए म्यूजियम्स और इंस्टीट्यूशन में। और हम लोग देखते हैं कि नए नए रिकॉर्ड्स जो हैं उनको भी अब डिजिटाइज किया जा रहा है, नई नई किताबें जो आ रही हैं उनको भी डिजिटाइज किया जा रहा है। अब जैसे बहुत सारी किताबें आती हैं तो आप सुनते होंगे कि किंडल एडिशन निकल रहा है। तो किंडल क्या है? किंडल बेसिकली एक एप्लीकेशन है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें आप बुक्स पढ़ सकते हैं। तो किंडल एडिशन निकल रहा है मतलब क्या है, वो बुक जो है वो डिजिटाइज किया जा चुका है। तो इस तरह से नया नया अपॉर्चुनिटीज जो है वो डिजिटाइजेशन को लेके निकलता है। और बेनिफिट्स यदि देखें डिजिटाइजेशन का, तो डिफिकल्टी के मुकाबले बेनिफिट्स जो है वो अधिक है। हम ये डेफिनेट बात है, ये बात मानना ही होगा कि डिजिटाइजेशन का कुछ लिमिटेशन है, कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसका बेनिफिट्स जो है वो बहुत अधिक है। कॉपीराइट का इश्यूज होता है डिजिटाइजेशन में बहुत बार, कल्चरल सेंसिटिविटी का इशू होता है, अप्रोप्रिएट यूज़ का इशू होता है। तो ये सारा डिफरेंट इश्यूज है जो डिजिटाइजेशन के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन उसका बेनिफिट्स यदि देखें तो वो बहुत अधिक है। ठीक है, ऑनलाइन कलेक्शन यदि बना दिया जाए या डिजिटाइज कर दिया जाए किसी भी आर्काइवल रिकॉर्ड को या आर्टिफैक्ट को, तो हम लोग देखते हैं कि उसका एक्सेस बढ़ जाता है। साथ ही साथ अधिक लोग जब उसको देख पाएंगे तो अधिक लोग उसके बारे में स्टडी कर पाएंगे, अधिक लोग उसके बारे में एक्सप्लोर कर पाएंगे, और जो लोग हैं, जो कॉमन पब्लिक है, वो उसके साथ रिलेट कर सकता है। म्यूजियम्स में हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक म्यूजियम्स
डेवलप किए जा रहे हैं, जहाँ पे जैसे मान लीजिए एक म्यूजियम है आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, ठीक है, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो जो है यूएसए में, वो यूजर्स को अपना फेवरेट ऑब्जेक्ट सेव करने का ऑप्शन देता है और अपना इंडिविजुअल गैलरी बनाने का भी ऑप्शन देता है। मान लीजिए तो अब इंडिविजुअल गैलरी मतलब ऑनलाइन गैलरी कि आप आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो जो है उसका वेबसाइट मान लीजिए आप विजिट करते हैं और आप में उसमें मान लीजिए हज़ारों आइटम जो हैं वो रिकॉर्ड्स में दिखाए हुए हैं, हज़ारों आइटम्स आप उसमें देख पा रहे हैं। अब उस आइटम में से 10 आइटम जो है वो आपको बहुत अच्छा लगा और आपको लगा कि ये ऐसा होना चाहिए कि हम अपने दोस्तों को भी हर समय दिखा सकें, तो आप उसमें लॉग इन करके अपना अकाउंट बना के अपना एक पर्सनल लाइब्रेरी बना सकते हैं और उस पर्सनल लाइब्रेरी में वो सारे जो भी 10 आइटम आपको पसंद आया उसका फोटोग्राफ्स उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप अपने पर्सनल लाइब्रेरी में स्टोर कर सकते हैं और आपके जब भी मित्र आए, दोस्त आए, फैमिली मेम्बर्स आए तो उनको आप दिखा सकते हैं कि हाँ ये शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूट में ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या ये मेरे फेवरेट डॉक्यूमेंट्स हैं या ये मेरे फेवरेट ऑब्जेक्ट्स हैं और ये जन जन तक पहुँचाया जा सकता है। तो एक इससे देखिए इससे दो फायदा हो रहा है, एक आप कभी भी किसी को दिखा भी सकते हैं एग्जीबिशन जो है म्यूजियम का काम वो भी हो रहा है, दूसरा साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्सेसिबिलिटी है उस रिकॉर्ड का वो भी बढ़ गया और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल है जो उसको अपना पर्सनल लाइब्रेरी बना के रखता है वो भी उसको उससे कनेक्ट कर रहा है, तभी तो वो उसके साथ एक उसका एक अटैचमेंट है, तभी उसको वो पर्सनल लाइब्रेरी के रूप में बना के रख रहा है। साथ ही साथ जो रिसर्च का एडवांटेज है, जो एडवर्टीजमेंट का एडवांटेज है, वो सारा कुछ भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। डिजिटाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि हाई क्वालिटी इमेजेस जो हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं और अब जैसे मान लीजिए हड़प्पा का डांसिंग गर्ल का स्टैचू, ठीक है, हड़प्पन टाइम्स का डांसिंग गर्ल का स्टैचू है, अब आप म्यूजियम गए तो आप उसको एक सर्टेन डिस्टेंस से ही देख सकते हैं, एक सर्टेन दूरी से ही देख सकते हैं, वो एक प्रोटेक्टेड बाउंड्री के उस तरफ। लेकिन यदि उसको डिजिटाइज कर दिया जाए, हड़प्पा का डांसिंग गर्ल का स्टैचू का फोटो खींच के मान लीजिए उसको डिजिटाइज कर दिया जाए या उसका 3D रिकंस्ट्रक्शन कर दिया जाए, तो डिजिटाइजेशन का फायदा यह है कि आप उसमें जूम कर सकते हैं, उसको बारीकी से देखने के लिए, बारीकी से जांचने के लिए आप उसको जूम कर सकते हैं और एक एक डिटेल को देख सकते हैं। तो ये म्यूजियम में या आर्काइव में पॉसिबल नहीं है, दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू डिजिटाइजेशन। तो जो हाई क्वालिटी इमेजेस क्रिएट किए जाते हैं डिजिटाइजेशन में, उसमें यूजर जो है वो जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं और जूम इन करने से जो स्मॉलेस्ट डिटेल्स है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, उस पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट का, वो आप देख सकते हैं, जो नॉर्मली आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा। तो इस कारण से जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी इंक्रीज की है, ठीक है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है उनका भी इंक्रीज देखने को मिला है। साथ ही साथ जो आर्काइवल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो म्यूजियम्स हैं, वो भी इस कारण से अपने रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरह का पॉसिबिलिटीज जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि डिजिटाइजेशन के कारण क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में यदि हम लोग देखें तो डिफरेंट टाइप के डिजिटाइजेशन मेथड्स जो हैं उसको अपनाया गया है, कुछ मेथड्स के बारे में हम लोग बात किए, कुछ कुछ स्पेशल टेक्निक्स जो हैं, कुछ कुछ स्पेशल रिपोजिटरीज जो हैं वो बनाए गए हैं जहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को रिकॉर्ड करके, डिफरेंट चीज़ों को स्टोर करके रखा गया है। हम लोग देखते हैं कि यूरोप में जैसे यूरोपियन फ्रेमवर्क फॉर ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ डिजिटल रिपोजिटरीज है, इसी तरह एक नेस्टर कैटलॉग ऑफ क्राइटेरिया है, एक प्लैनेट्स प्रोजेक्ट है, फिर एक TRAC है, फिर एक ड्रैम बोरा है। तो इस तरह के डिफरेंट पोर्टल्स हम लोग कह सकते हैं बनाए गए हैं जहाँ पे जो भी चीज़ रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो भी चीज़ डिजिटाइज किया जा रहा है उसको स्टोर करके रखा जा रहा है। ऑडियो कंजर्वेशन में भी हम लोग देखते हैं कि इस तरह से बहुत सारा चीज़ किया जा रहा है, बस इतना ही नहीं वीडियो कंजर्वेशन किया जा रहा है। और आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स छोड़िए, जो पुराने वीडियो गेम्स होते थे, ठीक है, आप लोग खेले होंगे हो सकता है पहले, जो पुराने वीडियो गेम्स होते थे उनको भी अब स्टोर करके रखने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिजिटाइजेशन जो है उसका एक अपना बेनिफिट है और डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को, डिफरेंट टाइप के आर्टिफैक्ट्स को जो कि बस हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, इन जनरल ह्यूमन लाइफ से जो चीज़ रिलेटेड है, उन सारे चीज़ों को डिजिटाइज करके, उन सारे चीज़ों का एक डिजिटल कलेक्शन बना के इंटरनेट पर रखा जा रहा है और उसका अपना पॉजिटिव्स है, उसका अपना नेगेटिव्स है, जो हम लोग अभी डिस्कस किए। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट जो आर्टिफैक्ट्स हैं, डिफरेंट जो आइटम्स हैं उसको डिजिटाइज करने का कोशिश किया जा रहा है। अब इसमें डिफरेंट हम लोग स्ट्रैटेजीज है वो देखते हैं जो अपनाया जाता है। एक रिफ्रेशिंग का स्ट्रैटेजी है, तो रिफ्रेशिंग क्या है कि ट्रांसफर ऑफ डेटा से इन्वॉल्व, ठीक है, कि मान लीजिए आपके पास सेंसस का डेटा है, वो मान लीजिए एक CD में, तो CD से उसको नए जगह पे किसी सॉफ्टवेयर में या किसी ड्राइव में डालना है, तो वो एक ट्रांसफर का टेक्निक है, इसको कहते हैं रिफ्रेशिंग। तो कोई पुराना CD है वो हो सकता है रखे 5 साल, यदि आप कोई CD को बस छोड़ दिए तो वो CD हो सकता है 5 साल में खराब हो जाए, तो उस CD से डेटा को निकाल के आपको दूसरी जगह सेव करना है, कोई ऑनलाइन ड्राइव पे सेव करना है या फिर
किसी कंप्यूटर में सेव करना है या फिर कोई सॉफ्टवेयर पे अपलोड करना है। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि ये जो ट्रांसफर ऑफ डेटा का जो टेक्निक है इसको कहते हैं रिफ्रेशिंग। ठीक है, मतलब सेम स्टोरेज मीडियम, मतलब सीडी में भी वो डिजिटल था और ऑनलाइन पे भी वो डिजिटल ही रहेगा। तो ये जो टेक्निक है ट्रांसफर ऑफ डेटा का इसको कहते हैं रिफ्रेशिंग। इसके बाद एक टेक्निक होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन है कि मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में है, अब आप उसको वर्ड फॉर्म में एमएस वर्ड में कन्वर्ट कर दिए और उसके बाद उसको स्टोर किए, तो वो जो डेटा का फॉर्म वो चेंज हो गया। पहले वो पीडीएफ था या पहले वो जेपीईजी फॉर्मेट में था, जो हम लोग जो पिक्चर्स लेते हैं मोबाइल में, तो आप देखेंगे कि उसके लास्ट में लिखा रहता है डॉट जेपीजी। तो जेपीजी जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि एक फॉर्मेट है, ठीक है, फॉर्मेट जेपीजी है। तो जेपीजी का यदि फुल फॉर्म आप लोगों को बताएं तो इसका मतलब है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, जेपीजी जो है इसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और इसको आप कन्वर्ट कर दिए पीडीएफ में। या तो पीडीएफ का क्या है, पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो कोई भी डॉक्यूमेंट को आप जेपीजी से ट्रांसफर कर दिए यदि पीडीएफ फॉर्म में और उसके बाद उसको स्टोर किए, चाहे जहां भी स्टोर करें, तो उस डॉक्यूमेंट का, उस रिकॉर्ड का फॉर्म जो है वो जेपीजी से पीडीएफ चेंज हो गया। तो इस कारण से इसको, इस टेक्निक को कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, इसको कहते हैं माइग्रेशन। इसके बाद एक टेक्निक है जिसको कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या है कि कोई भी डेटा है उसका आप कॉपीज बना रहे हैं। ठीक है, कोई भी डेटा है, मान लीजिए कोई एक आर्काइवल रिकॉर्ड है, कोई एक बहुत पुराना मान लीजिए गीत गोविंद बुक है, वो आपके लैपटॉप में सेव है। अब आप चाहते हैं कि आपके 10 मित्रों के पास भी, आपके 10 फ्रेंड्स के पास भी वो चला जाए, तो आप क्या करेंगे, उसको ईमेल कर देंगे, 10 लोग जो हैं वो उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो वो क्या हो गया, वो रेप्लिकेशन, जो डुप्लीकेट कॉपीज उसका तैयार हो गया और वो अब 10 कंप्यूटर्स में। तो इस तरह से ये किया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक टेक्निक है जिसको कहते हैं एम्यूलेशन। ओके, एम्यूलेशन क्या है, इसका मतलब है एम्यूलेशन इज बेसिकली द रेप्लिकेटिंग ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑब्सोलीट सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई ऐसा सिस्टम है जो ऑब्सोलीट होता जा रहा है, ठीक है, कोई ऐसा सिस्टम है जो अप्रचलित है, उसके कार्य क्षमता का प्रतिकृति करना, उसके कार्य क्षमता को अनुकरण करना। तो ये है एम्यूलेशन का टेक्निक, जिसमें हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप से ये एम्यूलेशन जो है वो किया जाता है। अब एम्यूलेशन में क्या है, एक एग्जांपल यदि दें तो हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट या कोई डॉक्यूमेंट वो ऑब्सोलीट होता जा रहा है, तो उसको रिकॉर्ड करना, उसका क्या फंक्शन था, उसको रिकॉर्ड करना, उसको रेप्लिकेट करना, ताकि वो ऑब्सोलीट ना हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये होता है। फिर एक टेक्निक है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन में है कि जो भी प्रिजर्व्ड ऑब्जेक्ट है उसको इस तरह से एग्जिबिट करो कि वो सेल्फ डिस्क्राइबिंग हो जाए। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ आप एक पोस्टर अटैच कर दिए, उसके साथ कुछ रिटेन फाइल्स अटैच कर दिए, तो जब भी वो खुलेगा डॉक्यूमेंट या जब भी वो फोटोग्राफ खुलेगा तो उसके साथ उसका सारा डिटेल्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स जो हैं उसको अपनाए जाते हैं ताकि ये डिजिटाइजेशन जो है उसको किया जा सके। और म्यूजियम्स में, आर्काइव्स में, हर जगह हम लोग को ये देखने को मिलता है। इससे अल्टीमेटली जो कलेक्शन है वो भी स्ट्रांग होता है, जो रिसर्च का आइडिया है वो भी मजबूत होता है, और एडुकेशन जो है उसको भी प्रमोशन डेफिनेटली मिलता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट डिजिटाइजेशन इन आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लास्ट 15-20 मिनट जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए रखेंगे। तो नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन। आप लोग का जो भी सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं। एक सवाल है कि सर अगर हम इस सब्जेक्ट के म्यूजियम जाना चाहें तो। बिल्कुल, आप जैसे न्यू दिल्ली में ही एक नेशनल म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में है, ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन जो है उसी के पास ये है नेशनल म्यूजियम। तो आप बिल्कुल वहां जा सकते हैं, वहां जाके आप देखिए कि म्यूजियम में किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जाता है, म्यूजियम में किस तरह से डॉक्यूमेंट्स या वेरियस आर्टिफैक्ट्स को कंजर्व किया जाता है, बिल्कुल जाके देखिए। वहीं पे पास में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, शायद अभी आजकल वो बंद चल रहा है, लेकिन डिफरेंट आर्काइव्स भी आप लोग जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं किस तरह से, एक प्रैक्टिकल नॉलेज उससे होगा आप लोगों को कि किस तरह से म्यूजियम में आर्टिफैक्ट्स को या रिकॉर्ड्स को या डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जाता है, कैसे उनको कंजर्व किया जाता है, तो ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि म्यूजियम्स जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस में रिकॉर्डेड है, आर्काइव जो है वो रिकॉर्डेड है ओनली लाइब्रेरी और समवेयर। देखिए, म्यूजियम जो है उसका अपना एक आर्काइव हो सकता है, म्यूजियम का अपना एक लाइब्रेरी हो सकता है जहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाए। तो कोई जरूरी नहीं है कि आर्काइव जो है वो किसी लाइब्रेरी में ही हो। जनरली लाइब्रेरीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं आर्काइव्स, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा जाता है।
बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी आर्काइव जो है वो लाइब्रेरी के ही साथ एसोसिएटेड। ओके, और कोई सवाल हो आप लोगों का तो प्लीज पूछ सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। बट बिफोर वी गो अहेड, फिर से हम जो गूगल ड्राइव लिंक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो हम आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर देते हैं। इस गूगल ड्राइव लिंक में आपको कुछ किताबें मिल जाएंगी, कुछ आर्टिकल्स मिल जाएंगे, और इन किताबों और आर्टिकल्स को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। आई होप जो क्लास में बताए हैं उसको ध्यान से सुन के आप लोगों ने अपने नोट्स भी तैयार किए होंगे। तो इन किताबों को देखिए, इन किताबों को पढ़िए। मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि किंग चैंपियन, यूट्यूब, 10 ईयर गाइड, ये सारी चीज़ों पे मत रिलाई कीजिएगा। जो स्टडी मटेरियल आपको इस गूगल ड्राइव लिंक में दिया गया है उसको ध्यान से पढ़िए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी सॉरी, इसमें जो मटेरियल है वो मोस्टली इंग्लिश में है, हिंदी में ये मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो SOL का मटेरियल देख सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आप लोग यदि पूछना चाहें। जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट 15 मिनट्स में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, तो आप लोगों का यदि कोई भी सवाल आ रहा है, कुछ भी यदि आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बेझिझक अपने सवालों को पूछिए। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। कोई भी सवाल हो आप लोगों का प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। कोई भी सवाल हो आप लोगों का, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। यदि कोई सवाल है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। यदि सवाल नहीं है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं नो क्वेश्चंस, तो उससे एटलीस्ट क्लियर रहेगा कि कोई सवाल नहीं है। कोई भी सवाल हो तो प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स। यदि कोई सवाल नहीं है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए नो क्वेश्चंस। कोई भी सवाल हो आप लोगों का तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, कोई भी सवाल। कोई भी सवाल हो आप लोगों का सवाल आ सकता है। एक सवाल है कि व्हाट इज द गुड मेथड टू प्रिजर्व इन आर्काइव्स, कौन सा मेथड अच्छा है। देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन है वो तो आपको रखना ही रखना है, क्योंकि जब तक आपके पास वो ट्रेडिशनल आर्काइवल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप डिजिटाइज किस चीज को कीजिएगा। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका कोई भी हम लोग कह सकते हैं कितना भी आप रेप्लिकेशन कर लीजिए या कितना भी कॉपीज बना लीजिए, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वैल्यू है वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, जो उसका कॉपीज बन रहा है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही बन रहा है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कंजर्व करके रखना, उसको प्रिजर्व करके रखना, या ओरिजिनल आर्टिफैक्ट को कंजर्व और प्रिजर्व करके रखना, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वही कंजर्व और प्रिजर्व नहीं होगा तो फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहाँ से तैयार होंगे, उसका कॉपीज कहाँ से तैयार होगा, डिजिटाइजेशन कहाँ से होगा। तो ओरिजिनैलिटी जो है, या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या ओरिजिनल आर्टिफैक्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी प्रिजर्व और कंजर्व करना जरूरी है। और डिजिटाइजेशन का जो टेक्निक है उससे डेफिनेटली उसका लाइफ तो जरूर बढ़ता है, लेकिन डिजिटाइजेशन इज ओनली अ सेकेंडरी टेक्निक। डिजिटाइजेशन जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लाइफ को बढ़ाता है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का होना तो जरूरी है, तभी तो वो डिजिटाइज किया जा सकता है। तो डिजिटाइजेशन जो है, वी कैन से इट इज ओनली देयर टू एड द ओरिजिनल कंजर्वेशन मेथड, जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल कंजर्वेशन टेक्निक्स है उसकी मदद में डिजिटाइजेशन खड़ा है, ये हम लोग कह सकते हैं। ओके, और कोई सवाल आप लोगों का, एनी अदर क्वेश्चन। डिजिटाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे, पूरे क्लास में हम लोगों को डिस्कस किए। एडवांटेजेस की बात करें तो हम लोग देखते हैं एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाता है, लोग जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं डिजिटल कलेक्शंस को, उस चूंकि अब उसका एक्सेसिबिलिटी बढ़ गया है तो उस पर रिसर्च अधिक हो सकता है, अधिक लोग एडुकेट हो सकते हैं, पब्लिक अधिक कनेक्टेड फील कर सकता है, उसका लाइफ जो है वो बढ़ जाता है, उसको लॉस होने का चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाता है। दूर दराज के एरियाज में आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, डिजिटाइज करके आप क्लासरूम्स में उसको सीधे ला सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले म्यूजियम जाना पड़ता, अब डिजिटाइज कलेक्शंस को दिखा के आप डायरेक्ट क्लासरूम्स में दिखा सकते हैं। उसका डिसएडवांटेजेस यदि देखें तो उसमें परमानेंट लॉस का चांसेस भी है, यदि आपका जो कंप्यूटर जहाँ पे वो स्टोर्ड है वो माल फंक्शन करने लगे, या कोई वायरस अटैक हो जाए, या कोई स्पाईवेयर का अटैक हो जाए, या मालवेयर का अटैक हो जाए,
उसके कारण लॉस हो सकता है। डिजिटाइजेशन का कुछ लिमिटेशंस भी है, हम लोग डिस्कस किए कि कोई कोई डॉक्यूमेंट्स इतने नाजुक होते हैं, इतने फ्रजाइल होते हैं कि वो तुरंत ही खराब हो सकते हैं, एक फोटोग्राफ या बस एक स्कैन ही उसका किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिजिटाइजेशन करना है, तो ये उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ठीक है, पूरे क्लास में हम लोग यही चर्चा किए। और कोई सवाल हो आप लोगों का, एनी अदर क्वेश्चन? लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर क्वेश्चंस, कोई भी सवाल हो।